नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में, जहां हम किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारी आपको देते हैं। ऐसे ही आज हम आपको क्रिएटिनिन के बारे में बताने वाले हैं, साथ ही ये भी बताएंगे क्रिएटिनिन बढ़ने पर क्या करना चाहिए। क्रिएटिनिन हमारी बॉडी में ही बनता है। होता यूं है कि हमारी बॉडी की मांसपेशियां लगातार टूटती रहती हैं और मांसपेशियों के टूटने से क्रिएटिनिन बनता है। तो जाहिर सी बात है, एक निश्चित मात्रा में हर व्यक्ति के खून में क्रिएटिनिन होता ही है। क्रिएटिनिन हमारी बॉडी का एक वेस्ट मटेरियल है, जिसे ज्यादा समय तक हम अपनी बॉडी में नहीं रख सकते, इसलिए प्रकृति ने इसे बाहर निकालने की भी व्यवस्था की है। आपको बता दें कि हमारी बॉडी में लगातार क्रिएटिनिन बनता रहता है और इस क्रिएटिनिन को निकालने के लिए भगवान सभी को दो किडनीज देते हैं। हाँ, किसी किसी व्यक्ति में जन्म से एक ही किडनी होती है, जो लाखों में एक ही होते हैं, लेकिन नॉर्मली सभी की बॉडी में दो किडनीज ही होती हैं। और ये दोनों किडनीज, जिसे हिंदी में हम गुर्दे बोलते हैं, हमारी बॉडी के फिल्टर प्लांट की तरह काम करती हैं। जब हमारा खून किडनी में जाता है तो किडनी इस खून को फिल्टर करती है, लगातार छानती रहती है और हमारे खून में मौजूद क्रिएटिनिन को यूरिन की मदद से बाहर कर देती है। आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि फिल्टर की ये मशीन भी लगातार अपना काम करती रहती है और इस प्रकार से बॉडी की व्यवस्था चलती रहती है और हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन की मात्रा भी स्थिर रहती है। लेकिन जब कभी आप गलती से अनहेल्दी खाना खा लेते हैं या फिर बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, तो ऐसे में आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि किडनी फिल्टर मशीन की भी एक क्षमता है और जब किसी भी मशीन पर उसकी क्षमता से ज्यादा भार डाल दिया जाता है तो फिर वो थकने लगती है। लगातार ये दबाव बना रहे तो फिर खराब होने लगती है। बस यही नियम हमारी बॉडी पर भी लागू होता है। जब क्रिएटिनिन का बढ़ा हुआ स्तर लगातार किडनी में जाता है तो ये किडनी को थका देता है और कभी कभी किडनी को खराब भी कर सकता है। खून में बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन सीधा सीधा हमारी किडनी को प्रभावित करता है। ये थी क्रिएटिनिन और क्रिएटिनिन लेवल के बढ़ने से जुड़ी जानकारी। तो चलिए अब जानते हैं कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने पर क्या करना चाहिए। जो लोग अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा आराम देना पसंद करते हैं, दिन भर बस आराम ही फरमाना चाहते हैं, यहाँ तक कि बॉडी को हिलाना पसंद नहीं करते, तो ऐसे लोगों को अधिक से अधिक काम करने की आदत डालनी चाहिए। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, नहीं तो सबसे ज्यादा क्रिएटिनिन बढ़ने का खतरा यहीं से शुरू होता है। ऐसे लोगों में क्रिएटिनिन बढ़ने का खतरा काफी बढ़ जाता है। ये तो हम सब जानते हैं कि बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है, लेकिन अधिक प्रोटीन का सेवन क्रिएटिनिन को बढ़ाता है। ये बॉडी में अधिक मात्रा में क्रिएटिनिन बनाकर देगा, जो किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि आवश्यकता से ज्यादा प्रोटीन का सेवन क्रिएटिनिन के स्तर को बढ़ा सकता है। इसलिए क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने पर प्रोटीन सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। कहते हैं कि बॉडी के सारे रोग हमारे पेट से शुरू होते हैं और पेट से ही खत्म किए जा सकते हैं। वैसे तो फाइबर हमारे पेट को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये पेट को साफ रखता है। इसलिए क्रिएटिनिन को कम करने के लिए आपको फाइबर भी बैलेंस क्वांटिटी में खाना चाहिए। हाँ, अधिक नमक का सेवन करने से हाई बीपी की समस्या हो जाती है और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर सीधा किडनी पर असर करता है। किडनी के बीमार होने पर क्रिएटिनिन का स्तर भी बढ़ने लगता है। तो कोशिश कीजिए कि आप कम नमक का सेवन करें। दिन भर में एक दिन में दो चम्मच से अधिक नमक भूलकर भी नहीं खाएं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्रिएटिनिन बढ़ने पर क्या करना चाहिए। लेकिन यदि खून की जांच में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है तो फिर क्या करें? तो देखिए, अगर क्रिएटिनिन ज्यादा बढ़ चुका है तो हो सकता है कि किडनी खराब होने की स्थिति आ गई है। अब आपको सबसे पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। वैसे आप क्रिएटिनिन को घरेलू उपाय से भी कम कर सकते हैं और कर्मा आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक उपचार लेकर हाई क्रिएटिनिन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।